पिहोवा में चैत 14 मेले में कोरोना फैलने की आशंका के मद्देनजर पिहोवा वासियों व शिवसेना हिंदुस्तान की हरियाणा सरकार से मांग की कि पिहोवा में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए व कोरोना संक्रमण की आशंका मद्देनजर विशेष मेडिकल जांच शिविर तुरंत लगाए जाएं व मेले में श्रद्धालुओं की तादाद कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि वायरस को लेकर सरकार से मांग की है कि सभी मेले में आने वाले व अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, घाट पर बैठने वाले पुरोहितों को अवश्य मुफ्त मास्क व हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर, डेटॉल व स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। पूरे हरियाणा से डॉक्टर्स की टीमें बुलाई जाएं व टीमें गठित कर पिहोवा में प्रवेश द्वार पर सभी लोगों को हाथ धुलवाने व मास्क लगाने की जिम्मेदारी इन टीमों को सौंपी जाए। मेले में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री न दी जाए। ज्यादा मूल्य पर मास्क व सैनिटाइजर बेचने वालों के लिए विशेष टीमें गठित कर सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे शहर में लगातार मेले से पहले, मेले के दौरान व मेले के बाद फॉगिंग करवाई जाए व पिहोवा के आसपास के सभी पंचायतों को आदेश जारी किए जाएं कि अपने अपने गांवों में भी फॉगिंग करवाएं। सुरेंद्र शर्मा जी, जो ये हमने आज तहसीलदार जी को दिया है कि ताकि जो एक कोरोना वायरस बीमारी आई हुई है तो पिहोवा के अंदर 14 का मेला, चित्र 14 का मेला आना है जो कि 22 से 24 तक लगना है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और इसके अंदर यह है कि बीमारी फैलने का डर बहुत है, क्योंकि पिहोवा के अंदर कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं है जो उसे रोकथाम की जाए। हमने ही शिवसेना हिंदुस्तान ने मांग की है कि यहाँ पर डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेजी जाए प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से हमने डिमांड की है कि यहाँ पे स्पेशल टीम भेजी जाए ताकि हर नाके पे वो स्पेशल टीम जो डॉक्टरों की है वो आने जाने वालों को जो भी है सबका वो अपना मेडिकल करे और उनको मुफ्त जो मास्क हैं और दवाइयाँ वो दी जाएं ताकि ये जो पिहोवा शहर है इस बीमारी से बचा जा सके। और अगर हमने ये भी डिमांड की है साथ में कि अगर प्रशासन, हरियाणा सरकार ये नहीं कर सकती तो इस मेले को कैंसिल ही कर दिया जाए।